भाजपा के वरिष्ठ नेता और भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे लक्ष्मीकांत शर्मा का वीडियो वायरल होने के बाद जहां एक ओर कांग्रेस उन पर निशाना साध रही है, वहीं खुद लक्ष्मीकांत शर्मा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच करने की बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री रहे लक्ष्मीकांत शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह शराब पीते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अपशब्द कह रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद से ही कांग्रेस ही इसे मुद्दा बना रही है। वहीं आज एक वीडियो सोशल मीडिया में लक्ष्मीकांत ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने इस वायरल वीडियो की किसी जांच एजेंसी से जांच कराने की बात कही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विकास प्राधिकरण अध्यक्ष कृपा शंकर शुक्ला ने भी इस वीडियो को लेकर लक्ष्मीकांत पर निशाना साधा है। मेरे क्षेत्र के नागरिक बंधुओं और मेरे सभी शुभचिंतक महानुभाव, आप सबको पता है कि पिछले 6-7 वर्षों से मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं। निर्वासित सा जीवन जिया है, लड़ाई लड़ी है और इस लड़ाई में आप सब मेरे साथ में रहे हैं। अनेक षड्यंत्रकारियों ने बहुत षड्यंत्र रचे, लेकिन इस संघर्ष घड़ी में आप सब मेरे साथ में खड़े रहे हैं। अब पुनः कोई एक बड़ा षड्यंत्र हुआ है, मीडिया में कुछ सामग्री आई है जो संदिग्ध है। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई बड़े षड्यंत्रकारी हैं, जिनने ये षड्यंत्र करके ये सब मेरी सार्वजनिक जीवन को, मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। इसकी जांच होना चाहिए और षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश भी होना चाहिए। जहां तक मेरे संगठनों की बात है, मेरी पूर्ण निष्ठा मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व, मेरे संगठन, मातृ संगठन और सभी संगठनों के प्रति मेरी पूर्ण निष्ठा कल भी थी, आज भी है, हमेशा जीवन पर्यंत रहेगी, ऐसा विश्वास दिलाता हूं। और बस इस संघर्ष के समय में आप सबका स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ है, ऐसा ही स्नेह आशीर्वाद रहे और हम सब मिलकर के इन सब संकटों से जूझेंगे, संघर्ष करेंगे और आप सबके आशीर्वाद से अच्छे परिणाम निकलेंगे। बहुत धन्यवाद। बम गिरा था इनके कार्यालय में, तो उसकी सार्वजनिक बैठक हुई थी यहाँ पे राजबाड़े पे। उस समय काफी बड़ी चर्चा मेरी, कैलाश मेरे साथी बैठा था विजय वर्गीय जी, तो मैंने उनसे कहा था यार तुम्हारे लोगों के यहाँ तो ऐसे ऐसी हरकतें होती हैं, अभी विशाल में अंदर जेल में बंद हुए थे, बड़ा कुकृत्य करा गया और जेलर ने उस बात को दबा दिया। कहने नहीं ऐसा नहीं है पंडित जी, यार मैं नहीं यार ऐसा है, लोग ऐसा बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो बात सही होगी। तो इस ढंग से ये शिवराज सिंह भी इतना भ्रष्ट है, भले ही वो लिपा पोती और मुस्कुरा के बात करता हो पर चरित्र से बहुत गिरा हुआ है और उनके मंत्रिमंडल के लक्ष्मी नारायण ने उनकी कलाई खोल दी है। आरएसएस के बारे में भी उन्हें बहुत खुल के बोला है और जो बोला है उसमें बिल्कुल सत्यता है। मैं भी जानता हूँ कि आरएसएस के लोग ऐसे कृत्य करते हैं और उसको दबा दिया जाता है।